हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज की हमारी हिंदी क्लास में मैं आपको वर्णमाला का दोहरान फिर से कराना चाहती हूँ। आप सभी ने अपनी पिछली क्लास एलकेजी में वर्णमाला का अध्ययन किया है, फिर इसको हम एक बार फिर से हम इसका दोहरान करते हैं। ये हमारी, इसको हम वर्णमाला कहते हैं। पा से लेके ग्या तक जितने भी अक्षर होते हैं वो सभी वर्णमाला के अंतर्गत आते हैं। एक बार फिर से आप मेरे साथ बोल सकते हैं इसको। अ से अनार, आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी ई से ईग, छोटा उसे उल्लू, बड़ा उसे ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, आय से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, अहा खाली, क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घर, इंग खाली, च से चम्मच, छ से छतरी, ज से जहाज, झ से झंडा, यां खाली, ट से टमाटर, ठ से ठटेरा, ड से डमरू, ध से ढक्कन, अड़ा खाली, त से तरबूज, थ से थर्मस, द से दबात, ध से धनुष, न से नल, प से पतंग, फ से फल, बा से बतख, भ से भगत, म से मछली, य से यज्ञ, र से रथ, ल से लट्टू, व से वक, श से शलजम, श से षटकोण, स से सपेरा, ह से हल, छ से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञा से ज्ञानी। ये जो आप तीन अक्षर देख रहे हैं ये हमारे अतिरिक्त वर्ण होते हैं, जैसे श्र, श्र से श्रमिक, ड, रबर, इसको हम कहते हैं ढ, जैसे पढ़ना, श्र जैसे श्रमिक वर्ड है, इससे हम और शब्द होते हैं जैसे श्रम, परिश्रम, उसमें ये अक्षर आता है। ये अक्षर है ड, जैसे रबड़, सड़क, लड़का, लड़की, ढ जैसे हम यहाँ शब्द है पढ़ना, इसके और भी शब्द होते हैं जैसे चढ़ना, बढ़ना, इस तरीके से। ये जो अ से अहा तक जितने भी अक्षर होते हैं इनको हम स्वर कहते हैं। एक बार फिर से आप मेरे साथ दोहरा सकते हैं। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, आए, ओ, आओ, अं, आहा। इन अक्षरों को हम व्यंजन कहते हैं, जिन जो क से लेकर हमारे ज्ञ, ज्ञानी, ज्ञ से ज्ञानी तक जितने भी अक्षर होते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। इनको आप मेरे साथ फिर से दोहराना चाहेंगे तो मेरे साथ बोलिए। क, ख, ग, घ, इंग, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श,
स ह छ त्र ज्ञ। एक बार इन तीन अक्षरों को आप मेरे साथ बोलिए, श्र श्र ड ड ढ। क से ज्ञ तक जितने भी अक्षर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यंजन। और अ से अहा तक जितने भी अक्षर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर। उम्मीद करते हैं कि आपको स्वर और व्यंजन का ज्ञान अच्छे से हो गया होगा। आज की हमारी हिंदी क्लास यहीं समाप्त होती है। आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए, अपने माता पिता का कहना मानिए, मास्क लगाइए, घर से बाहर बेवजह घर से बाहर मत निकलिए और अपना ध्यान रखिए और घर में सभी का ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय। अगली क्लास में फिर मिलेंगे।